दोस्तों आज मैं अपनी 540 जीप जो मेरे पास है 1994 मॉडल, आज मैं इससे एक जनरेटर को कर्णप्रयाग से भी आगे छोड़ने आया हूँ। और ये जो मेरी जीप है इसमें आज तक PGO इंजन है और ओरिजिनल ही है सब कुछ, बस इसका कलर और इसके अलाइविल थोड़ा चेंज कर दिए थे तार लुक में। और आज हम बहुत ही बढ़िया जगह आज यहाँ पर घूमने आए हैं, घूमने के हम तो एक जनरेटर छोड़ने आए थे 540 जीप से अपनी, और यहाँ पर पहाड़ कटिंग का कार्य चल रहा है तो इस वजह से थोड़ा रोड को क्लोज करा हुआ है। तो अब देखते हैं कि हम यहाँ कितनी देर में चलते हैं। और अभी हमें पता चला कि हम थोड़ा आगे निकल आए हैं और यहाँ पे रोड इतना क्लोज है कि यहाँ से गाड़ी मोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, देखते हैं फिर भी। और अभी रोड कटिंग का काम चल रहा है और ये देखिए आप नीचे की साइड कितना अच्छा व्यू है, यहाँ पर गंगा जी तो नहीं कह सकते, कहीं और से आ रही है ये नदी और मगर गंगा में ही मिलती है। तो हम यहाँ पर हैं आज और अब वो देखते हैं कितनी देर में आता है और ये रोड कटिंग कितनी देर में रुकता है, उसके बाद ही देखेंगे कि गाड़ी मुड़ सकती है कि नहीं मुड़ सकती। हमने जो अनुमान लगाया था कि हमें लगभग ऋषिकेश से 9 घंटे लगेंगे, मगर उससे ज़्यादा हमारा टाइम लग चुका है। और देखना है ये कि अब हम गाड़ी मोड़ेंगे कहाँ से, क्योंकि आगे रोड कटिंग का काम चल रहा है और जनरेटर बहुत भारी होने के कारण मोड़ना भी मुश्किल है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। बाकी पहाड़ों का व्यू तो बहुत ही अच्छा होता है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है, आप देख सकते हैं इस व्यू को। बड़े बड़े पहाड़ हैं उत्तराखंड के। फ्रेंड्स मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तेरी जीप बहुत पुरानी हो चुकी है, बट मगर उन्हें ये नहीं पता कि इसमें कितना दम है। इस जीप में बहुत ही ज़्यादा दम है, अगर ये और कोई गाड़ी होती तो शायद ये दमों को ठीक से ना पाते। ये PGO इंजन में बहुत दम होता है और जो ये PGO इंजन है तो लोग कहते हैं स्टार्ट नहीं होता है, तो कुछ नहीं है, 11-12 साल से जीप मेरे पास है और स्टार्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका बैटरी और सेल्फ हर एक चीज़ अच्छा होना चाहिए और हीटर्स आपको ये एक राउंड में स्टार्ट होकर देती है। अब व्यू देखिए, पहाड़ कटिंग का रोड चल रहा है आगे, इस वजह से रोड क्लोज कर दिया गया। तो अब देखते हैं हम वापस कितने बजे निकलते हैं यहाँ से।